हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 11, जिसके अंदर हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं पैकेज के बारे में। अब इसके अंदर व्हाट इज पैकेज, सब पैकेज क्या है, उसको किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है, किस तरह से क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सब कुछ हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर तो पैकेज है क्या, इसकी कुछ थियरीज मैंने यहाँ पर नोट कर रखी है। ठीक है, सबसे पहले हम थियरी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अ जावा पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस इंटरफेस एंड सब पैकेजेस। क्या है, अगेन पैकेज यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस इंटरफेस या फिर सब पैकेजेस। अब आपने नोटिस किया होगा तो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर से ही एक जावा प्रोग्राम्स करके एक फोल्डर क्रिएट किया था, राइट। यहाँ पर मैं सब कुछ आपको फाइल क्रिएट करके रन करवाता हूँ। सपोज यहाँ पर फर्स्ट मेरी फाइल का नाम है myfile1.java। ठीक है, तो वो यहाँ पर रिसाइड कर रही है। ठीक है, इस तरह से आप साइड बार के अंदर देख सकते हो। तो यहाँ पर कई सारी जावा फाइल है लेकिन सब बिखरी हुई है, एक ही साथ मैंने एक फोल्डर के नीचे ही सब कुछ बनाई हुई है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर नहीं, कोई भी टॉपिक हो सबकी फाइल यहाँ पर आपको एक ही साथ एक ही फोल्डर के अंदर मिल रही है। तो इस तरह से जावा के अंदर ऑफिशियली फाइल को अरेंज नहीं किया जाता। ठीक है, जावा के अंदर आप उसको परफेक्ट ऑफिशियली अरेंज कर सकते हो यूजिंग पैकेज। तो किस तरह से फोल्डर का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, किस तरह से हम फाइल को स्ट्रक्चराइज्ड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये सभी चीज आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं पैकेज के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पैकेज जो है वो जावा के अंदर दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला है बिल्ट इन पैकेजेस एंड देन आफ्टर दूसरा है यूजर डिफाइंड पैकेजेस। बिल्ट इन पैकेज यानी कि क्या, जावा हमें बनी बनाए पैकेजेस कई सारे प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल जावा के अंदर होता है लैंग, AWT, जावा एक्स, स्विंग, नेट, IO, यूटिल, SQL और ऐसे कई सारे होते हैं। ठीक है, कई सारे बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं, उसमें से हमने अब तक एक पैकेज देख कर रखा है यूटिल। आपको याद होगा जब हमें स्कैनर क्लास का यूज करना था तब हम सबसे ऊपर लिखते थे ना इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, राइट, तभी तो हम स्कैनर क्लास का यूज कर पाते थे। तो इस तरह से सबसे पहले जो लाइन हमने लिखी थी ना वो क्या थी, हमने डायरेक्टली जावा को ये कहा कि मुझे मेरे फाइल के अंदर स्कैनर क्लास चाहिए, तो सबसे पहले उसको आपको इम्पोर्ट करना होगा। तो स्कैनर क्लास जो है वो कहाँ से आ रहा है, जावा के अंदर एक यूटिल नाम का पैकेज है। क्या है, यूटिल नाम का पैकेज। तो उस पैकेज के अंदर कई सारे क्लासेस हो सकते हैं, उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास को इम्पोर्ट किया, स्कैनर क्लास। हाँ, अगर आप यहाँ पर एस्टरिस्क लिखते इस तरह से तो इसका मतलब क्या था कि यूटिल नाम के पैकेज में जितने भी क्लासेस अवेलेबल है वो आपने सब यहाँ पर एक साथ इम्पोर्ट कर लिए। तो अब उस पैकेज के अंदर मौजूद सभी क्लास को आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते थे, राइट। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्लास ही इम्पोर्ट कराना हो तो आप कुछ इस तरह से लिखो, यूटिल के अंदर जो भी क्लास आपको रिक्वायरमेंट हो उस क्लास का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो इम्पोर्ट यानी कि कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल है यूटिल नाम का, उसमें से मैंने स्कैनर नाम का क्या किया, क्लास इम्पोर्ट किया। ठीक है, तो ये जो है वो बिल्ट इन मॉड्यूल है जावा डॉट यूटिल। तो इस तरह से क्या हम अपना बना सकते हैं, अब कोर्स अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है यूजर डिफाइंड पैकेजेस, दैट्स ऑल। तो हम यूजर डिफाइंड पैकेज किस तरह से बनाया जाता है वो आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले। ठीक है, और हाँ, पैकेज बनाने का एडवांटेज क्या है वो यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। देखिए, जावा पैकेज जो है वो यूज टू कैटेगराइज द क्लासेस एंड इंटरफेसेस सो दैट दे कैन बी इजिली मेंटेन। सिंपल सा फंडा है, पैकेज क्यों बनाना है, क्योंकि आप बड़ी आसानी से आपके क्लासेस या फिर इंटरफेसेस को इजिली मेंटेन कर सको, कैटेगराइज कर सको। ठीक है, और साथ ही साथ जावा पैकेज जो है वो एक्सेस प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करता है, ये भी हम देखेंगे किस तरह से। और साथ ही साथ जावा पैकेज रिमूव्स नेमिंग कलिजन। अब आपको याद होगा कि एक ही क्लास फाइल के अंदर आप मल्टीपल क्लास सेम नेम वाले नहीं बना सकते, लेकिन एक पैकेज के अंदर आप सेम नेम वाली कई फाइल बना सकते हो। ठीक है, ये भी हम देखेंगे किस तरह से। तो एक कुछ इसकी थियरीज है, आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, एक खास IMP है। ठीक है, पैकेज क्या है, यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, कितने टाइप के पैकेज आते हैं, दो टाइप के, बिल्ट इन पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज। बिल्ट इन पैकेजेस यहाँ पर नोट डाउन किए गए हैं। ठीक है, जावा से लेकर SQL तक ऐसे कई सारे हैं। एंड देन आफ्टर पैकेज के कुछ एडवांटेज। ठीक है, इन शॉर्ट पैकेज यानी कि कोई एक डायरेक्टरी, कोई एक फोल्डर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैकेज यानी कि कोई एक फोल्डर, जो अब तक हम नॉर्मली क्रिएट करते आते थे बस वही चीज़ है, लेकिन जावा अब आपके के लिए ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकेगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्रिएट करेगी कोई आपके फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर आप जो भी चाहो क्लास फाइल्स अरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से।
ठीक है। तो ये फायदा है पैकेज का, देखिए किस तरह से। सबसे पहले मेरी ये फाइल है, नाम मैंने रखा है माई फाइल वन डॉट जावा, ठीक है। क्लास का नाम भी मैंने रख दिया माई फाइल वन डॉट जावा, क्लियर। तो अब ये फाइल जो है कहाँ पर है, मैं अपना साइड बार ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पर है मेरी माई फाइल वन डॉट जावा। अब तक हम इतना ही लिखते थे, मेन के अंदर अपना कुछ लॉजिक लिखते थे, राइट। लेकिन पैकेज को इंडिकेट करने के लिए आपको यहाँ पर कीवर्ड लिखना है पैकेज। अब पैकेज देन स्पेस आपके पैकेज का नेम, और पैकेज का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा आर एन डब्ल्यू, एंड देन आफ्टर मुझे करना है सेमी कॉलन। तो इस तरह से पैकेज आपको इस तरह से लिखना है, लेकिन ध्यान रहे पैकेज कंपलसरी फर्स्ट लाइन के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर आपका सभी क्लास या फिर आपका कोई भी कोडिंग, कंपलसरी पैकेज वाली लाइन सबसे फर्स्ट लाइन के अंदर ही होनी चाहिए, ये खास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए फिलहाल मैंने इस तरह से लिखा, और अब आपको इसको रन किस तरह से करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसके अंदर मैंने लिख दिया माई फाइल वन जावा फाइल, कुछ इस तरह से, ठीक है। चल अब इसको रन करने के लिए टर्मिनल के अंदर, अब तक हम क्या करते थे, जावा सी माई फाइल वन डॉट जावा, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखते थे। अब मैंने एंटर किया, तो एंटर किया, अब उसके बाद मुझे क्या करना था, फाइल को रन करना था माई फाइल वन। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ध्यान दीजिएगा आपको एक एरर देखने को मिलेगी। हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज़ गलत नहीं है, परफेक्ट सही है, कंपाइल भी परफेक्ट हो गया था, लेकिन रन परफेक्ट नहीं हुआ। देखिए कुछ एरर आ रही है, इस एरर को ध्यान से देखिए, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास माई फाइल वन। क्या हुआ कि आपका जो क्लास फाइल वन नाम का क्लास है वो जेवीएम को मिल ही नहीं रहा है, तो वो कंपाइल भी किस तरह से करेगा, रन भी किस तरह से करेगा। देखिए यहां पर किस तरह से कॉज हुआ है वो भी बताया गया कि नो क्लास डिफॉल्ट एरर, ठीक है, क्लास की डेफिनेशन फाउंड नहीं की जा रही है किसी ना किसी वजह से, माई फाइल वन नाम का क्लास है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर क्लास तो है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आपने कंपाइल किया था तब आपको पता होगा कोई भी जावा फाइल आप कंपाइल करते हो तो डॉट क्लास फाइल बनती है ना, लेकिन यहाँ पर नोटिस करो क्या डॉट क्लास फाइल बनी, माई फाइल वन डॉट क्लास फाइल बनी क्या, नहीं, ये तो जावा फाइल है ना हमारी। जैसे ही कंपाइल करते हो किसी ना किसी जावा फाइल की एक क्लास फाइल बनती है, तो वो यहाँ पर नहीं बनी, इसलिए वो रन नहीं हो रहा। तो जब भी आप कोई पैकेज इंडिकेट कर रहे होता है ना, ठीक है, तो तब आपको कुछ अलग तरह से कंपाइल करना होता है, ध्यान दीजिएगा, जावा सी एंड देन आफ्टर एक फ्लैग आपको लगाना है डैश डी, जावा सी और उसके बाद लिखना है डैश डी, डी फॉर डेस्टिनेशन, कि आप अपना क्लास फाइल कहां पर लोड करवाना चाहते हो, कहां पर बनाना चाहते हो, वो आपको यहां पर डेस्टिनेशन देना होगा डैश डी, एंड देन आफ्टर डेस्टिनेशन का पाथ आप अपने पूरे पीसी के अंदर, पूरे कंप्यूटर के अंदर माई फाइल वन डॉट क्लास नाम की फाइल कहां पर जनरेट करना चाहते हो, ठीक है, कहां पर जनरेट करना चाहते हो। अगर आपको इसी फोल्डर के अंदर, ध्यान दीजिएगा, जावा प्रोग्राम्स यानी कि इसी फोल्डर के अंदर, करंट फोल्डर के अंदर ही वो क्लास फाइल बनानी हो, तो आपको यहां पर लिखना होगा सिंपल डॉट, डॉट यानी कि करंट फोल्डर। अगर आपको अपने नाम का कोई फोल्डर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल एम के, देन आफ्टर आप उसका नाम लिख सकते हो एम के, एंड देन आफ्टर आप अपनी फाइल का नाम लिखो माई फाइल वन डॉट जावा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर एम के नाम का फोल्डर नहीं बनाना, मुझे करंट डायरेक्टरी के अंदर ही मेरी क्लास फाइल चाहिए, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा सिंपल डॉट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिलहाल नोटिस करो आप, कुछ हमारी फाइल्स इस तरह है, ठीक है, साइड बार के अंदर, और हमारे फोल्डर सिर्फ दो ही है। अब जैसे ही मैंने कंपाइल किया, आप देख सकते हो एक नया फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया आर एन डब्ल्यू, ठीक है। तो अब इस आर एन डब्ल्यू को हम ओपन करते हैं, तो देखिए इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहां पर मुझे रन करना होगा जावा देन आफ्टर माई फाइल वन, और अगर मैं इस तरह से भी रन करूंगा तो मुझे देख सकते हो आप एरर अगेन देखने को मिल रही है, क्योंकि माई फाइल वन जो है वो अब मेरी यहां पर नहीं बनी क्लास फाइल, वो क्लास फाइल बन चुकी है आर एन डब्ल्यू नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है, यहां पर वो बन चुकी है। मैं यहां पर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको आप ओपन कर सकते हो फाइंड इन फोल्डर, ओके। तो इस तरह से आपको कुछ पूरा पाथ दिखा गया, ठीक है। मैं फिलहाल मैक ओएस पर हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का पाथ मिलेगा कि मेरी फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर, जावा प्रोग्राम्स यानी कि ये जो करंट फोल्डर है वो, इसके अंदर एक फोल्डर है आर एन डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पर आ गया आर एन डब्ल्यू, तो इसके अंदर मुझे मिलेगी मेरी फाइल। तो मुझे इसको ओपन करना होगा मेरे फाइंडर के अंदर, आप विंडोज पर हो तो फिर आप माई कंप्यूटर की मदद ले सकते हो।
यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो एक नई आपको फाइल मिलेगी। सपोज सबसे पहले हम गए जावा प्रोग्राम्स के अंदर, जावा प्रोग्राम्स के अंदर हमारा आर एन डब्ल्यू नाम का फोल्डर बना। आर एन डब्ल्यू के अंदर आप देख सकते हो क्लास फाइल आपकी बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जाना होगा माई फाइल वन डॉट क्लास के अंदर। चलिए अगेन यहाँ पर हम अब रन किस तरह से करेंगे जावा, अब इस तरह से रन नहीं कर सकते माई फाइल वन, ठीक है। माई फाइल वन क्लास फाइल किसके अंदर है, आर एन डब्ल्यू फोल्डर के अंदर है। तो फिर आपको यहां पर लिखना होगा सबसे पहले आर एन डब्ल्यू एंड देन आफ्टर डॉट माई फाइल वन। ध्यान दीजिएगा सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, सबसे पहले फोल्डर का नाम आर एन डब्ल्यू एंड देन आफ्टर उसके अंदर फाइल का नाम। और अब अगर आपने रन किया तो फिर आपको आउटपुट सक्सेस देखने को मिलेगा माई फाइल वन जावा फाइल, ठीक है। तो यहां पर मुझे अपने फाइंडर विंडो के अंदर या फिर माई कंप्यूटर के विंडो के अंदर मुझे देखने को मिल गई मेरी क्लास फाइल, ठीक है। सबलाइम के अंदर यहां पर रियल टाइम रिफ्रेश नहीं हुआ इसलिए ये आपका फोल्डर जो है वो एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। चलिए यहां पर हम साइड बार के अंदर अगेन कर रहे थे हाइड साइड बार देन आफ्टर अगेन साइड बार शो साइड बार, तो देखिए फिर भी आपका ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबलाइम के अंदर लाइव फोल्डर चेंजेस नहीं हो सकता, तो यहां पर आपको आपकी फाइंडर की विंडो या फिर माई कंप्यूटर की विंडो ओपन करके रखनी होगी इसको समझने के लिए, क्लियर। तो चलिए मैं अपनी फाइंडर की विंडो ओपन ही रखता हूं। चलिए आर एन डब्ल्यू, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जावा प्रोग्राम जो है इसके अंदर हमारी ये पूरी फाइल्स है और फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर हमने आर एन डब्ल्यू फोल्डर बनाया और ऑटोमेटिक यहां पर आपकी क्लास फाइल आ गई। ये क्लास फाइल यहां पर किस तरह से आई, आपने ये वाला कमांड लगाया था ना डैश डी करंट, ठीक है। करंट फोल्डर यानी कि ये वाला फोल्डर जावा प्रोग्राम्स जहां पर आपकी ये जावा फाइल रिसाइड करती है वो, उसके अंदर आपको क्लास फाइल बनाना था माई फाइल वन डॉट जावा। लेकिन जावा प्रोग्राम्स के अंदर क्लास फाइल नहीं बना, कहां पर बना, आर एन डब्ल्यू फोल्डर के अंदर। ये फोल्डर किस तरह से बना, हमने तो नहीं बनाया, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर आपने पैकेज का नाम लिखा था ना आर एन डब्ल्यू, तो इस तरह से वो बना। पैकेज यानी कि आगे भी मैंने बताया एक डायरेक्टरी या फिर एक फोल्डर वो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपकी क्लास फाइल ऑटोमेटिक इस फोल्डर के अंदर ही बनेगी, ये रूल है जावा पैकेज का, क्लियर। चलिए अब मैं क्या करूंगा, एक और यहां पर फाइल क्रिएट करता हूं, ठीक है। चलिए मैं इस वाली लाइन को अगेन कॉपी कर लेता हूं, सेव करेंगे हम यहां पर। यहां पर मैं लिख देता हूं माई फाइल टू डॉट जावा, ठीक है। तो माई फाइल टू डॉट जावा यहां पर बन चुके हैं। यहां पर भी आप देख सकते हो ये हमारी पुरानी फाइल और ये हमारी नई फाइल माई फाइल टू डॉट जावा फाइल। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगेन कंपाइल। तो जावा सी माई फाइल टू डॉट जावा, अब तक हम इतना करते थे राइट, लेकिन इतना करने की वजह से आपका क्लास फाइल जनरेट नहीं हो सकता। क्यों जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ऊपर पैकेज का नेम दिया हुआ है, तो पैकेज के नेम के डेस्टिनेशन के साथ आपको कंपाइल करना होगा, डायरेक्टली नहीं। तो यहां पर आपको कंपाइल करते वक्त डेस्टिनेशन लगाना है कि करंट फोल्डर के अंदर मुझे मेरी माई फाइल टू कंपाइल करवानी है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जैसे एंटर करोगे आपकी क्लास फाइल जो है वो आर एन डब्ल्यू फोल्डर के अंदर बन चुकी होगी, देखिए आगे माई फाइल टू डॉट क्लास, ठीक है। चलो अब आप उसको रन कर सकते हो जावा माई फाइल टू, लेकिन माई फाइल टू ध्यान दीजिएगा कहां पर है, आर एन डब्ल्यू फोल्डर के अंदर है। तो फिर आपको यहां पर लिखना होगा ना आर एन डब्ल्यू डॉट माई फाइल टू, इस तरह से रन करना है, देन आफ्टर एंटर, तो तब आपको रन होकर मिलेगा माई फाइल टू जावा फाइल, क्लियर। तो इस तरह से आपका फोल्डर का स्ट्रक्चर यहां पर बनेगा, ठीक है। यहां पर सब लाइन के अंदर लाइव चेंज नहीं हो सकते, तो कोई बात नहीं, इस तरह से आपको फाइंडर की विंडो या फिर माई कंप्यूटर की विंडो ओपन करके रखनी होगी, ठीक है। आपको लाइव चेंजेस यहां पर देखने को मिलेंगे, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, पैकेज वाली कोई भी फाइल हो, ठीक है। ऊपर आपको पैकेज सबसे पहले फर्स्ट लाइन के अंदर ही इंडिकेट करना होगा, देन आपका कोडिंग स्टार्ट कीजिए। पैकेज का नेम जो भी हो, तो जब आप कंपाइल करोगे तो आपको डेस्टिनेशन लगाना होगा, और जो भी डेस्टिनेशन आपने यहां पर प्रोवाइड किया होगा वहां पर इस पैकेज के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और उसके अंदर आपका ये क्लास फाइल जनरेट होगा, क्लियर। एंड देन आफ्टर रन कराते वक्त भी आपको उस पैकेज के नेम के साथ ही रन कराना होगा, ठीक है, पैकेज के नेम के साथ ही रन कराना होगा, क्लियर। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी, ओके। चलिए अब एक पैकेज का डेटा या फिर एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल के अंदर आप किस तरह से ले जा सकते हो या फिर किस तरह से यूज कर सकते हो, चलिए वो देख लेते हैं। सपोज मेरे पास यहां पर एक नया क्लास है EMP, ठीक है। इसके अंदर मैंने कोई मेथड क्रिएट की, फॉर एग्जांपल डिस्प,
system.out.println, और यहां पर मैंने लिख दिया disp from file one, ठीक है, disp from file one। अब मुझे क्या करना है, ये disp वाली मेथड जो है ना वो my file two के अंदर एक्सेस करनी है। तो किस तरह से, अगेन ये disp वाली मेथड मुझे my file two के अंदर एक्सेस करनी है। बनी हुई कहां पर है, my file one के अंदर, लेकिन यूज कहां पर करनी है, किसी और फाइल के अंदर। तो क्या आप यहां पर डायरेक्टली कर सकते हो, देखिए सबसे पहले अगर इसी बात की फाइल करें, ठीक है, इसी फाइल की अगर हम बात करें, तो अगर मुझे डिस्क को कॉल करना हो तो इसी फाइल के अंदर हम क्या करते थे, सबसे पहले emp का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, राइट, न्यू emp, एंड देन आफ्टर e1 की मदद से हम डिस्क को कॉल कर लेते थे, तो यह तो होना ही है, राइट। चलिए इसको सेव किया, अगर हम पढ़ते हैं तो कंपाइल माई फाइल वन डॉट जावा, एंड देन आफ्टर जावा आर एन डब्ल्यू में से मुझे रन करना है माई फाइल वन। तो देखिए डिस्क फ्रॉम फाइल वन तो आ ही गया, ठीक है, ये तो करेक्ट ही है करंट फाइल का सिनारियो। लेकिन अब मुझे ये वाली चीज जो है वो करनी है दूसरे फाइल के अंदर, माई फाइल टू के अंदर। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना, ऑब्वियसली ईएम की नाम का क्लास थोड़ी ना इस फाइल के अंदर है, तो ऑब्वियसली रन होने भी नहीं वाला। देखिए अगेन मैं कंपाइल करूंगा माई फाइल टू को, तो जैसे ही माई फाइल टू को कंपाइल किया और अब मैं इसको रन कराना चाहूंगा, तो अब आप देख सकते हो डिस्प फ्रॉम फाइल वन आ चुका है, ठीक है, डिस्प फ्रॉम फाइल आ चुका है। तो ये किस तरह से आया, आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन किस तरह से आया, क्यों आया, क्योंकि आपका ये जो क्लास बना हुआ है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है किसी और फाइल के अंदर। क्यों एक्सेसिबल हुआ, क्योंकि वो सेम पैकेज के अंदर बना हुआ है, यहां पर भी RNW पैकेज है, यहां पर भी RNW पैकेज है, तो फिर एक फाइल के अंदर जितने भी क्लासेस बने हुए हैं ना वो उसी पैकेज के अंदर आती हुई सभी क्लास फाइल यूज कर सकते हैं आसानी से। देखिए ये मैंने यूज कर लिया, क्लियर। तो यहां पर आप जितने चाहो क्लास बना लो, उन सभी को आप किसी और फाइल के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, क्लियर। क्यों, क्योंकि वो सेम पैकेज के अंदर आती है इसलिए, ठीक है, RNW के अंदर ही वो दोनों क्लास फाइल बनी हुई है, इसलिए एक दूसरे के क्लासेस एक दूसरे के अंदर वो आसानी से एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो एक एकदम नई बात हमने आज सीखी। चलिए इसका एक सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, सेम पैकेज के अंदर आती हुई सभी क्लास फाइल्स एक दूसरे का कोड डायरेक्टली एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो कोडिंग और रीयूज कर सकते हो, एक फाइल के अंदर बना हुआ कोड दूसरे फाइल के अंदर आप रीयूज कर सकते हो, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर। तो ये तो हमने बात की एक ही पैकेज के अंदर बने हुए फाइल्स और उस एक ही पैकेज के अंदर बने हुए फाइल्स का डेटा शेयर करने की, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप जो चीज यहां पर करते थे वो आपको यहां पर करनी है, दूसरे ही फाइल के अंदर बने हुए क्लास का ऑब्जेक्ट आप किसी तीसरी फाइल के अंदर इस तरह से एक्सेस कर सकते हो बड़ी आसानी से, क्लियर। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास मल्टीपल पैकेजेस हो और उसका डेटा हमें कोई तीसरे पैकेज के साथ शेयर करना हो, तो देखिए वो किस तरह से करेंगे। सपोज मैंने एक अगेन नई फाइल बना ली, इसका नाम हम सेव करेंगे फॉर एग्जाम्पल pck3.java या फिर pck1.java, ठीक है। चलिए ये वाला कुछ हम कोडिंग कॉपी कर लेते हैं, फाइल का नेम होगा pck1 java फाइल, ठीक है। अब मैं पैकेज का नेम चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, पैकेज का नेम मैंने किया चेंज फॉर एग्जाम्पल रेड, ठीक है। तो अब मैंने सेव किया और अब यहाँ पर मैंने उसको किया कंपाइल, ठीक है, डेस्टिनेशन लगाना है करंट डायरेक्टरी वाला, एंड देन आफ्टर हमें यहाँ पर लिखना है pck1.java। जैसे ही कंपाइल किया आप देख सकते हो यहाँ पर रेड नाम का फोल्डर बन गया, ठीक है, और रेड नाम के फोल्डर को हम अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो pck1.class फाइल भी बन चुकी है, सक्सेस कंपाइल हो गया। चलो अब इसको रन कैसे करेंगे, अगेन जावा देन आफ्टर पैकेज का नाम एंड देन आफ्टर फाइल का नाम, ठीक है, वही सिनारियो सेम। जैसे रन किया तो तब जाकर आपकी फाइल रन हो गई pck1 java फाइल, क्लियर। तो अब मेरा गोल क्या है कि मैंने जो यहां पर माई फाइल वन के अंदर एम्प्लॉय क्लास बनाया था वो मुझे pck1 के अंदर एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे डायरेक्टली एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट यहां पर बनाएंगे, देखते हैं पॉसिबल है या नहीं, और e1 की मदद से मैंने कॉल किया डिस्क को, ठीक है। चलिए सेव किया मैंने, अगेन इसको किया कंपाइल, तो देखिए जैसे ही मैंने कंपाइल किया आपको एरर देखने को मिलेगी, कैन नॉट फाइंड सिंबल emp, ठीक है, एम्प्लॉय नाम का फाइल यहां पर एक्सेसिबल ही नहीं है ना। हाँ प्रीवियसली एक्सेसिबल था लेकिन
जितनी भी फाइल के अंदर एक्सेसिबल होगा उसका पैकेज सेम होगा, देखिए RNW और यहाँ पर भी RNW, तब जाकर वो एम्प्लॉय कास्ट शेयरेबल होगा सभी फाइल्स के अंदर। लेकिन PCK1 नाम की फाइल है उसका पैकेज तो टोटली अलग ही है, रेड नाम का पैकेज है। तो RNW पैकेज के अंदर बना हुआ एम्प्लॉय क्लास रेड पैकेज के अंदर बनी हुई फाइल के अंदर किस तरह से इंपोर्ट किया जाए, किस तरह से ये आप लिख सकते हो वो आप देखिए। सबसे पहले अगर आपको एम्प्लॉय क्लास यूज करना है ना, लेकिन वो क्लास कहां पर बना है, किसी और पैकेज के अंदर, किसी और फाइल के अंदर, तो सबसे पहले आपको ये एम्प्लॉय क्लास यहां पर इंपोर्ट करवाना होगा। क्या करवाना होगा, इंपोर्ट। तो आपको लिखना होगा कीवर्ड इंपोर्ट, ठीक है। कौन सा क्लास इंपोर्ट करना है, एम्प्लॉय क्लास इंपोर्ट करना है, लेकिन आपको डेस्टिनेशन देनी होगी ना, एम्प्लॉय क्लास कहां से आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब आप बिल्ट इन क्लास का यूज करते थे java.util.scanner, ठीक है, तो हमें इनडायरेक्टली तो स्कैनर क्लास ही चाहिए था, तो क्या आप इस तरह से लिख सकते थे, नहीं, आपको डेस्टिनेशन देनी होती थी ना कि बिल्ट इन स्कैनर क्लास जो है वो किस पैकेज में से आ रहा है, वो आ रहा था java.util पैकेज में से, तो तब जाकर आपका स्कैनर क्लास इंपोर्ट होता था। उसी तरह आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का भी पाथ देना होगा, डेस्टिनेशन देना होगा, एम्प्लॉय क्लास जो है वो कहाँ पर है, सबसे पहले किस पैकेज के अंदर है, RNW पैकेज के अंदर है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा RNW पैकेज के अंदर आपका कौन सा क्लास पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय क्लास पड़ा हुआ है, राइट, ये देख लो आप। लेकिन एम्प्लॉय क्लास क्या अलग फाइल है, नहीं अलग फाइल नहीं है, ये एम्प्लॉय क्लास किस फाइल के अंदर है, माई फाइल वन के अंदर है ना, तो फिर आपको क्या लिखना होगा, RNW के अंदर माई फाइल वन नाम का क्लास है और उसके अंदर एम्प्लॉय क्लास पड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पैकेज का नाम, देन आफ्टर आपकी ये पूरी फाइल का नाम, ठीक है, और उस फाइल के अंदर मौजूद किसी क्लास का नाम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया EMP। तो अब आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो। देखिए सेव करते हैं, अगेन यहाँ पर कंपाइल, तो देखिए जैसे मैंने कंपाइल किया क्या हुआ, माई फाइल वन डज नॉट एग्जिस्ट, माई फाइल वन कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इस तरह से क्यों हुआ, देखिए चेक करते हैं हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले RNW के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए अवेलेबल तो है ही माई फाइल वन, लेकिन फिर भी क्यों इस तरह से आ रहा है, ठीक है, देखिए कितनी एरर आई, सबसे पहले 3 एरर आई, पैकेज RNW.myfile1 डज नॉट एग्जिट, ठीक है, उसके बाद भी एम्प्लॉय के अंदर आपको एरर मिल रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली एरर जो है वो नोटेबल है। जावा ये समझ रहा है कि RNW.myfile1 एक पूरा का पूरा पैकेज है, जबकि पैकेज तो सिर्फ RNW ही है, ठीक है, तो मतलब कि आपको कुछ इस तरह से इसको मिटाना होगा। आपको सिंपल इतना कितना है, RNW एक पैकेज है और उसके अंदर एम्प्लॉय क्लास है, क्यों, देखिए RNW पैकेज को अगर आप नोटिस करोगे तो उसके अंदर डायरेक्टली देखिए एम्प्लॉय क्लास सेपरेटली बना हुआ है, माई फाइल वन माई फाइल टू तो थे ही, साथ ही साथ एम्प्लॉय भी एक अलग क्लास फाइल बनी हुई है, क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने माई फाइल वन को कंपाइल किया था तो उसके अंदर जितनी भी क्लास होगी ना उन सभी के लिए अलग अलग क्लास फाइल बनेगी, तो अब ये एम्प्लॉय क्लास जो है वो सेपरेट ट्रीट हो रहा है जावा के अंदर, ठीक है, जावा के अंदर एम्प्लॉय क्लास सेपरेटली ट्रीट हो रहा है। अब RNW के अंदर भले ही आपकी दो ही फाइल थी सबसे पहले, माई फाइल वन माई फाइल टू, लेकिन माई फाइल वन के अंदर दो क्लास थे ना, माई फाइल वन के अंदर माई फाइल वन भी था और एम्प्लॉय भी था, तो इसलिए जब आपने कंपाइल किया तो इस फाइल के दौरान दो क्लास जनरेट हुए, माई फाइल वन और एम्प्लॉय डॉट क्लास, ठीक है, तो अब RNW के अंदर डायरेक्टली एम्प्लॉय एक्सेसिबल है, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखना होगा कि RNW जो पैकेज है मेरा उसके अंदर से एम्प्लॉय को इंपोर्ट करो एंड देन आफ्टर मुझे इस तरह से यूज करना है, क्लियर। तो चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर करते हैं कंपाइल, तो देखिए अब मैंने जैसे ही कंपाइल किया क्या हुआ, एम्प्लॉय इज नॉट पब्लिक इन RNW, कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड पैकेज, तो ये एक और नई एरर आई और इससे हमें सीखना है स्टेप बाय स्टेप, एम्प्लॉय क्लास जो है वो पब्लिक नहीं है RNW के अंदर, अगर वो पब्लिक होता तो ही वो आउटसाइड ऑफ पैकेज यूज हो सकता था, लेकिन जबकि एम्प्लॉय क्लास पब्लिक नहीं है वो कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड पैकेज, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास इस तरह से यूज तो हो सकता है बट इस तरह से इंपोर्ट नहीं हो सकता, क्यों इंपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्लास जो है वो आपका पब्लिक नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़े से ऊपर आते हैं, यहाँ पर लिखा था ना जावा पैकेज प्रोवाइड्स एक्सेस प्रोटेक्शन, तो इस तरह से उसने प्रोटेक्ट किया एक्सेस, क्लास एम्प्लॉय यहाँ पर है तो खरा लेकिन आप किसी और पैकेज के अंदर उसको डायरेक्टली विथआउट परमिशन यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये फिलहाल पब्लिक नहीं है, तो ऐसा मत समझ लेना कि ये क्लास प्राइवेट है, नहीं, एक्सेस मॉडिफायर ने तीन समझे थे ना, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड,
ठीक है। लेकिन जावा के अंदर चार आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टर और डिफॉल्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट होता है। आप यहाँ पर लिख नहीं सकते डिफॉल्ट, लेकिन ये होता ही है बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, इस तरह से डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, लेकिन आप यहाँ पर लिख नहीं सकते। ठीक है, जो भी आपका क्लास होगा वो अगर पब्लिक होगा तो ही वो आउटसाइड पैकेज आप उसको यूज कर सकते हो। तो क्या होगा अगर मैं इसको पब्लिक बना दूँ? तो जैसे मैंने इस क्लास को पब्लिक बना दिया तो क्या यह आउटसाइड क्लास यूज हो सकता है क्या? देखिए, अगर मैंने किया कंपाइल तो देखिए, एम्प्लॉय इज नॉट पब्लिक, कैन नॉट बी आउटसाइड। तो सबसे पहले इस वाली फाइल को मुझे कंपाइल करना होगा ना, क्योंकि मैंने इसके अंदर चेंज किया, राइट? कौन सी फाइल? माई फाइल वन डॉट जावा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंपाइल करते हैं माई फाइल वन डॉट जावा। तो अब आप देखिए, जैसे ही मैंने माई फाइल वन डॉट जावा को क्या किया, कंपाइल किया, तो आप देख सकते हो एक नई एरर आ गई। क्लास एम्प्लॉय आपने पब्लिक तो बना दिया, नो डाउट, बट शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम एम्प्लॉय डॉट जावा। अभी एक और नई एरर आ गई कि अगर एक जावा फाइल के अंदर किसी भी क्लास को आप पब्लिक बनाते हो, ठीक है, तो उसकी खुद नहीं अपनी एक फाइल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसकी खुद की एक अपनी सेपरेट फाइल होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी जावा फाइल आप क्रिएट करते हो, जो भी आपका मेन क्लास होता है ना, यानी कि जिसके अंदर आपकी मेन मेथड रिसाइड होती है, उसी को आप पब्लिक बना सकते हो, किसी और को नहीं। आप इसी को पब्लिक बना सकते हो, किसी और क्लास को पब्लिक नहीं बना सकते, ये खास ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई भी फाइल हो, जो भी आपका मेन क्लास हो, उसी को पब्लिक बना सकते हो। अगर किसी और को पब्लिक बनाने गए तो फिर आपको इस तरह की एरर आएगी कि नो डाउट आप बना तो सकते हो, लेकिन अगर आपने बनाने की ट्राई की तो उसकी सेपरेट फाइल होनी चाहिए, जो कि emp.java से यहाँ पर सेव होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अब इस क्लास को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, ये वाली मेथड को मैं यहाँ पर इस फाइल के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्लास ही नहीं चाहिए, क्लियर? तो अब मैंने सेव कर दिया। अब यहां पर मैं करूंगा कंपाइल, तो देखिए अब ये कंपाइल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, माई फाइल वन को एक्सेस करना है, राइट? तो यहां पर डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, माई फाइल वन, एंड देन आफ्टर आप माई फाइल वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ठीक है, सेव किया हमने, अगेन यहाँ पर किया कंपाइल, कौन सी वाली फाइल, pck1.java। तो जैसे कंपाइल किया, आप यहाँ पर देख सकते हो डिस इज नॉट पब्लिक इन माई फाइल वन, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। ओके, डिस मेथड जो हमने बनाई है वो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होगा डिफॉल्ट कीवर्ड, बट आप उसको लिख नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको पब्लिक जब तक नहीं बनाओगे तब तक ये वाला मेथड दूसरे पैकेज के अंदर कॉल नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने अब उसको पब्लिक बना दिया। चलिए अब इस फाइल को करंटली हम करेंगे कंपाइल, माई फाइल वन डॉट जावा। चलिए वो कंपाइल हो चुकी है, अब हम कंपाइल करेंगे pck1.java को। देखिए, चलिए अब ये भी सक्सेसफुली कंपाइल हो गई। अब हम इसको करेंगे रन रेड पैकेज में से pck1 क्लास फाइल को। जैसे एंटर किया तो अब आप देख सकते हो डिस्प फ्रॉम फाइल वन सक्सेसफुली कॉल हो चुका है। ठीक है, डिस्प फ्रॉम फाइल वन, क्लियर? तो इस तरह से किसी और पैकेज के अंदर मौजूद मेथड को मैंने किसी दूसरे पैकेज के अंदर मौजूद फाइल के अंदर एक्सेस किया। लेकिन इंपोर्ट करने की सिंटेक्स खास ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पैकेज नेम एंड देन आफ्टर क्लास नेम। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ एक्सेस कर सकते हो, क्लियर? तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले आप यहाँ पर ले लो माई फाइल वन का स्क्रीनशॉट एंड देन आफ्टर pck1.java का स्क्रीनशॉट। ठीक है, किस तरह से इंपोर्ट करना है ये खास ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, सबसे पहले पैकेज का नेम डॉट क्लास का नेम। ठीक है, ये कुछ इसकी सिंटेक्स रहेगी। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, वो जो हमने एम्प्लॉय क्लास बनाया था यहाँ पर वो तो नहीं चला, राइट? तो हम एक काम करेंगे, सेपरेटली एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे emp.java। ठीक है, यहाँ पर सेव एज emp.java, थोड़ा सा रीनेम emp.java, देन आफ्टर यहाँ पर इस पूरे फाइल को यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट कंपाइल, देन आफ्टर यहाँ पर रख देते हैं emp। चलिए फिलहाल मुझे यहाँ पर मेन फाइल नहीं चाहिए, मेन मेथड नहीं चाहिए। ओके, चलिए इसको अंदर मैं बनाता हूँ R एंड W के अंदर, इस पैकेज को अगेन मैं क्रिएट करूँगा। ठीक है, ऑलरेडी जो कि क्रिएट है ही, बट ये वाला क्लास अब मुझे रन करना है R एंड W के अंदर, रिसाइड करना है R एंड W के अंदर। अब यहाँ पर मैं कोई एक नई मेथड क्रिएट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल गेट
इन्फो। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर लिखूंगा सिंपल 100 एम्प्लॉयज, ठीक है, दैट्स ऑल। तो अब इस वाली फाइल को सबसे पहले हम करेंगे कंपाइल। तो जावा सी डैश डी, करंट डायरेक्टरी के अंदर मुझे कंपाइल करना है emp.java, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कर लिया कंपाइल। अब देखते हैं rnw फोल्डर, तो यहाँ पर ऑलरेडी emp.class नहीं बनकर आ चुकी है। ओके ग्रेट, तो अब मुझे अगर उसको रन करना हो तो जावा एंड आफ्टर स्पेस emp, लेकिन फिलहाल आपका jvm इसको रन नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई मेन मेथड है ही नहीं, ठीक है, तो मैं इसको अब रन नहीं करूँगा। चलिए, तो अब मैंने इसको बनाया ही क्यों, तो मुझे गेट इन्फो है ना, वो यहाँ पर पीसी के वन के अंदर एक्सेस करना था, इसलिए बनाया मैंने। तो सबसे पहले इस emp क्लास को मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं, rnw मेरा पैकेज नेम है और उसके अंदर मेरी emp नाम की क्लास फाइल है, कर लिया इंपोर्ट। चलिए, तो देन आफ्टर emp का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल o1 इज इक्वल टू न्यू emp, एंड देन आफ्टर o1 की मदद से मैं क्या कॉल कर सकता हूँ, गेट इन्फो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर लिया गेट इन्फो को कॉल। चलिए सेव करते हैं। अब मैं पीसी के वन डॉट जावा को कंपाइल करूंगा, तो जावा सी डैश डी, करंट डायरेक्टरी के अंदर पीसी के वन डॉट जावा को कीजिए कंपाइल। चलिए, जैसे ही कंपाइल किया मुझे क्या बताया, अगेन वो सेम वाली एरर कि आप जो ये इंपोर्ट करना चाह रहे हो ईएमपी क्लास को, तो वो इंपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो पब्लिक नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इसको पब्लिक बनाना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी क्लास पब्लिक होगा तो ही वो एक पैकेज में से दूसरे पैकेज के अंदर ट्रांसफर हो सकेगा, कॉल हो सकेगा, क्लियर। तो अब मैंने इसको करा दिया पब्लिक। चलिए, तो मुझे अगेन emp.java को सबसे पहले कंपाइल करना होगा। चलिए कंपाइल हो गया, अब मैं करूंगा pck1.java को कंपाइल। तो चलिए, अब मैंने कंपाइल कर लिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा अब आपको एक नई एरर देखने को मिली, गेट इन्फो इज नॉट पब्लिक इन emp, सो दैट इज नॉट एक्सेस, अगेन सेम एरर। ये क्लास तो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुल, बट आप ये जो कंपाइल सॉरी कॉल करना चाहते हो ना गेट इन्फो, तो वो गेट इन्फो मेथड पब्लिक नहीं है, इसलिए वो कॉल नहीं हो सकती। तो आपको इसको भी क्या बनाना होगा, पब्लिक बनाना होगा, देन आफ्टर वो आउटसाइड योर पैकेज कॉल हो सकेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आकर आप इसको डायरेक्टली कॉल करवा सकते हो, ठीक है। तो अगेन emp.java में मैंने ये छोटा सा चेंजेस किया, तो अगेन मुझे emp.java को कंपाइल करना होगा, एंड देन आफ्टर वापस pck1 को मुझे कंपाइल करना होगा। तो देखिए, अब मेरी फाइल कंपाइल हो चुकी है। चलिए, अब मैं करूंगा इसको कॉल, रेड पैकेज में से मेरी क्लास फाइल रन कीजिए pck1। अब देखिए, आप सक्सेसफुली कॉल हो गया 100 एम्प्लॉइज, यानी कि गेट इन्फो नाम की जो आपकी फाइल थी, जो आपकी मेथड थी, ठीक है, वो दूसरे पैकेज के अंदर थी अलग नाम के साथ, लेकिन वो रेड पैकेज के अंदर इस तरह से कॉल हो गई। किस तरह से? तो सबसे पहले आपको पहले इंपोर्ट करना होगा पैकेज का नेम डॉट क्लास का नेम, क्लियर। चलिए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, डन। तो देखिए, अब सबसे पहले यहां पर इस फाइल के अंदर एक दूसरी चीज भी आप कर सकते हो। यहां पर इस दोनों लाइन को आप नोटिस करो, rnw के अंदर आपने माय फाइल वन क्लास को भी एक्सेस किया, कॉल किया, इंपोर्ट किया, और साथ ही साथ emp को भी इंपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि हमें दोनों का ऑब्जेक्ट बनाना था, इसलिए, राइट। तो आप इन दोनों के अल्टरनेटिव में कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे, इंपोर्ट rnw.asterisk, दैट्स ऑल। यानी कि rnw नाम का जो पैकेज है उसके अंदर जितनी भी क्लास फाइल है सबको इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि मुझे इन सभी का यूज करना है, दैट्स ऑल। तो आप इस तरह से अलग अलग लाइन के अंदर क्लास फाइल डिफाइन कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक पैकेज के अंदर मौजूद सभी क्लास फाइल लोड करनी है, इंपोर्ट करनी है, तो आप इस तरह से एस्टरिस्क का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए, मैंने कंपाइल किया, देन आफ्टर अगेन मैं यहाँ पर करूंगा pck1.java को कंपाइल, एंड देन आफ्टर रन, तो मुझे सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है, देखिए, क्लियर। तो इस तरह से भी आप एस्ट्रिक की मदद से उसको कॉल करवा सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड मेथड। चलिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, पैकेज के अंदर मौजूद क्लास फाइल को इंपोर्ट कराने की सेकंड मेथड, क्लियर। चलिए, एक और मेथड है, वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आपको इंपोर्ट वाली लाइन लिखनी ही नहीं है, डायरेक्टली इस तरह से एक्सेस तो हो नहीं सकता ना, इंपोर्ट तो करवाना ही होगा, लेकिन आप डायरेक्टली यहां पर भी लिख सकते हो। देखिए, माई फाइल वन का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो किसी ना किसी तरह से उसकी लोकेशन तो देनी होगी। अब माई फाइल वन कहां पर मौजूद है? आर एन डब्ल्यू
पैकेज के अंदर मौजूद है, तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते थे rnw.myfile1, इस तरह से भी चलेगा। उसी तरह से एम्प्लॉय वाला फाइल कहाँ पर मौजूद है, वो भी rnw के अंदर मौजूद है, तो आप इस तरह से भी यहाँ पर लिख सकते थे rnw.myfile1 और rnw.emp, ठीक है, तो इस तरह से भी चलेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड अगेन रन, तो देखिए सेम आउटपुट, ठीक है, जो प्रीवियस था वही वाला, ठीक है। तो इस तरह से भी आप तीसरी मेथड से किसी अलग पैकेज के अंदर मौजूद क्लास फाइल या फिर किसी क्लास को, ठीक है, आप डायरेक्टली यहां पर इस तरह से भी एक्सेस कर सकते थे, कॉल कर सकते थे, लेकिन आपको बार बार इस तरह से ना लिखना पड़े, इस तरह से ये वाली सिंटेक्स हमें ज्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के लिए। तो मैंने आपको तीन मेथड्स बनाए, किसी और पैकेज के अंदर पड़े हुए क्लास को करंट नए पैकेज के अंदर इम्पोर्ट करने के लिए और यूज करने के लिए, तीन मेथड। ये फर्स्ट मेथड, ठीक है, कंप्लीट पाथ आप यहाँ पर बता सकते हो। दूसरी मेथड, किसी पैकेज के अंदर बड़े हुए सभी क्लास को इम्पोर्ट करना है तो एस्ट्रिक्स लगा दो। और तीसरी मेथड, आप सेपरेटली यहाँ पर नाम दे दो, ठीक है, कुछ इस तरह से, क्लियर। तो इस तरह से आप पैकेज को बना सकते हो और उसको यूज भी कर सकते हो, क्लियर। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों तीन मेथड यहाँ पर आ गई। अब बात यह आती है कि सर हमें पैकेज का नाम किस तरह से रखना चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको एक अगेन एक नई फाइल बनाकर दिखा दूं। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं सेव रखूंगा, फॉर एग्जाम्पल official.java। यहां पर मैं थोड़ा सा इस वाली लाइन को कर लेता हूं कॉपी। क्लास का नाम हम रखेंगे ऑफिशियल, देन आफ्टर यहां पर अब मैं रखूंगा कोई पैकेज का नाम। पैकेज का नेम मैंने आपको बताया, अगेन कोई भी रख सकते हो, लेकिन स्पेस वाला नहीं रख सकते इस तरह से, ठीक है, स्पेस अलाउड नहीं है, हाँ अंडरस्कोर अलाउड। लेकिन जावा की कम्युनिटी क्या कहती है, जावा का कन्वेंशन क्या कहता है कि आपको पैकेज का नाम क्या रखना चाहिए। पैकेज का नेम पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको यूनिक रखना होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा रूल है जावा के अंदर। फिलहाल तो आप टेस्टिंग पर्पज के लिए कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने रखा rnw या फिर रेड, ठीक है, बट यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, बट ऑफिशियली जावा के अंदर आपको यहाँ पर यूनिक नेम लिखना होगा। अब जावा की कम्युनिटी यह कहती है कि यूनिक नेम जो होगा वो आपका डोमेन नेम होगा। अगर आपने कोई वेबसाइट परचेस की हुई है तो आपका डोमेन नेम टोटली यूनिक होगा, राइट, फॉर एग्जाम्पल google.com, yahoo.com, microsoft.com, इस तरह से। तो ये सभी डोमेन नेम क्या होता है, यूनिक ही होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो वो जो डोमेन नेम है ना उसका रिवर्स करके यहाँ पर लिखो। सपोज google.com एक वेबसाइट है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा com.google, कुछ इस तरह से, ये आपका पैकेज नेम होना चाहिए। इस तरह से डोमेन नेम का रिवर्स यहाँ पर आपका पैकेज नेम होना चाहिए, ऐसा हमारी जावा लैंग्वेज हमें कहती है ऑफिशियली, ठीक है। तो सपोज मेरी कोई वेबसाइट है mk99, तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया com.mk99। आप यहाँ पर अपना डोमेन का रिवर्स नेम लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, जस्ट इस तरह से आपको सिमुलेट करना है, ठीक है, आपको जावा को इस तरह से बताना है कि ये मेरी वेबसाइट का नाम है और ये रहा उसका रिवर्स, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए अगर मैं इस फाइल को कंपाइल करूंगा तो क्या होगा, जावा सी डेस्टिनेशन करंट डायरेक्टरी वाला, और कौन सी फाइल कंपाइल करनी है, official.java। जैसे मैंने एंटर किया आपके पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, देखिए एक फोल्डर यहां पर क्रिएट हुआ कॉम, और कॉम के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट हुआ mk99, और उसके अंदर हुआ official.class, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कॉम वाला यूज करोगे तो इस तरह से आपका नेस्टेड फंक्शन बन जाएगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर बन जाएगा डायरेक्टरी का। कॉम फोल्डर बना, उसके अंदर mk99 फोल्डर बना, और उसके अंदर हमारा ऑफिशियल क्लास बना। तो इस तरह से जावा हमें अलाउ करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक और डॉट लगाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल होम, अगेन मैंने सेव किया, अगेन आप करते हो कंपाइल। तो अब देखिए कॉम के अंदर mk99 के अंदर होम, और होम के अंदर आपका ऑफिशियल डॉट क्लास। तो इस तरह से नेस्टेड फोल्डर यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, ये फोल्डर स्ट्रक्चर का, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का, क्लियर। तो इस तरह से आप जितने भी चाहो उतने पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो। आप इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करो, अलग अलग नाम रखो, सेम फाइल्स क्रिएट करो किसी एक फोल्डर के अंदर, किसी एक पैकेज के अंदर, और उसको कंपाइल करने के बाद रन करो, ठीक है। देन आफ्टर एक फाइल के अंदर मौजूद डेटा, एक फाइल के अंदर मौजूद क्लास दूसरे क्लास के अंदर इंपोर्ट करने की ट्राई करो और उसका यूज करो, ठीक है। तो इस तरह से हम जावा के अंदर हमारे पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर। आई होप आपका ये कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, ओके।
चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नए चैप्टर के साथ, लेकिन तब तक खास ध्यान रखना ये सब कुछ पैकेजेस की आपको कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि आगे जाकर अगर आप एंड्रॉयड या फिर वेब डेवलपमेंट यूजिंग जावा के अंदर जाओगे तो आपको इस तरह साइड बार में कई सारे फोल्डर्स देखने को मिलेंगे, तो वही हो गए आपके बिल्ट इन या फिर कस्टमाइज यूजर डिफाइंड पैकेजेस। ठीक है, तो तब वो सब है क्या उसको समझना आना चाहिए। क्लियर?